रानू मंडल ने मारी बॉलीवुड में एंट्री। हिमेश रेशमिया ने शेयर किया वीडियो सोशल मीडिया पर। स्टेशन पर गाती हुई रानू मंडल लता मंगेशकर के गाने एक प्यार का नगमा गाकर वायरल हुई थी और वो बॉलीवुड में एंट्री मार चुकी है। हिमेश रेशमिया की फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। पश्चिमी बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर लता मंगेशकर सी सुरीली आवाज़ में रातों रात सुपरस्टार सिंगर बनने वाली रानू मंडल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अब वह बच्चों के सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर के आने वाले वीकेंड एपिसोड में सेट पर नजर आएंगी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में भी डेब्यू कर चुकी है और उन्हें यह पहला मौका दिया है हिमेश ने अपनी अगली फिल्म में। जी हाँ, आपने सही सुना, रानू मंडल बॉलीवुड की ओर अपना कदम बढ़ा चुकी है। हिमेश ने रानू के साथ रिकॉर्डिंग वाला एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी बेहद ही सुरीली आवाज़ में तेरी मेरी कहानी गाती नजर आ रही। हिमेश ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शानदार आवाज़ वाली रानू मंडल के साथ फिल्म हैप्पी हार्डी से मेरे नए गाने तेरी मेरी कहानी की रिकॉर्डिंग हो गई। हमारे और आपके सभी सपने सच हो सकते हैं यदि इन्हें आगे बढ़ाने की हिम्मत करें। एक सकारात्मक सोच वाकई किसी सपने को पूरा कर सकती है। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। हिमेश रेशमिया ने अपना प्रॉमिस निभाते हुए रानू मंडल को फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हील में गाने का मौका दिया। दरअसल रानू मंडल रानाघाट के एक स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। अचानक एक दिन तब चर्चा में आ गई जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ। 38 सेकंड के इस वीडियो में रानू लता मंगेशकर के फेमस सॉन्ग एक प्यार का नगमा गाती नजर आ रही थी। देखते ही देखते ये वीडियो इस कदर वायरल हुआ कि म्यूजिक जगत में रानू चर्चा में आ गए। सलमान खान के पापा ने दी सलाह। हिमेश रेशमिया ने कहा, सलमान भाई के पापा सलीम अंकल ने एक बार मुझे सलाह दी थी कि लाइफ में कभी भी किसी टैलेंटेड व्यक्ति से मिलो तो उसे कभी दूर ना जाने दो और अपने करीब रखो। उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि वैसे व्यक्ति के टैलेंट को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करो। आज मैं रानू जी से मिला और मुझे एहसास हुआ कि उन्हें एक दैव्य शक्ति मिली है। उनके गाने से मन मोह लिया और मैं खुद को उन्हें बेस्ट ऑफर करने से रोक ना सका। जितना मैं कर सकता था उसे ईश्वर की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है जिसे दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरी अगली फिल्म हैप्पी हार्डी नींद में गाना गाकर उनकी आवाज को हर किसी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने लाइव सेट पर ट्यून भी सीखी और उन्होंने झट से एक ही दिन में ये ट्रैक रिकॉर्ड कर लिया और इस गाने का टाइटल है तेरी मेरी कहानी। बता दें कि इसका पहला वीडियो वायरल होते ही हर तरफ रानू मंडल की चर्चा होने लगी है और लोग कहने लगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री को दूसरी लता मिल गई है। कहा जा रहा है कि अब उन्हें बड़े सोच में गाने का ऑफर मिल रहा है। लाइव के इस मोड पर अपनी सफलता से रानू काफी खुश है।